हे व्हाट्सअप मेरी जान, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखेंगे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज ना हम आपको एकदम फेस स्मूथ का मास्टर बना देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल आप मेरे जैसा फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे बिल्कुल आसान स्टेप में फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरा फोटो कितना ज़्यादा बेकार दिख रहा है, एंड वहीं फ्रेंड्स देखेंगे फोटो जो होगा एडिट किया होगा, देखिए कितना इमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो में एंड तक बनना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली हम वीडियो को शुरू करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। डन। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अपना रियल वाला फोटो लेंगे। रियल वाला फोटो लेकर यहाँ से शेयर कर देंगे कहाँ पे, तो स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो चलिएगा इस हम अपने फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं। स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है। टूल्स के ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख लीजिएगा तो आपको टून इमेज का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, इसे स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे एम्बेनियस देख लीजिएगा। एम्बेनियस को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देने के बाद गाइस यहाँ से हम कर देंगे क्या, डन। डन कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अब की बार क्या करना है, यहाँ सेलेक्टिव वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए तो सेलेक्टिव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस दे देंगे, डन। इतना काम हो जाने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कभी भी फेस स्मूथ करने से पहले आपको इतना काम कर लेना जरूरी होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा दिखता है इतना काम कर देने के बाद। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हम अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर डालेंगे। तो बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए सबसे पहले तो फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको, ठीक है ना? टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए तो एक कवर का ऑप्शन दिख रहा होगा, कवर के ऊपर क्लिक कर देना है फाइनली गाइस, ठीक है ना? कवर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिएगा तो नीचे की तरफ एक आपको यूरो दिखा दिया होगा, स्पीड के जैसा दिख रहा होगा, ठीक है ना? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बोलने में डिस्टर्ब हो गया। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर देख लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर आपको फाइनली ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर सेलेक्ट करके अब आपको थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ खींचना है। एंड फाइनली अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले को देख लीजिए, RGB को आपको थोड़ा सा इसे कम करना है, इतना पे डन। इतना काम हो जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम कर देंगे डन, ठीक है ना? डन। इतना काम हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ देखिए शेयर के बगल में एक आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे डन। उसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, व्यू एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू एडिट पे क्लिक करना है। एंड व्यू एडिट पे क्लिक कर देने के बाद गाइस, यहाँ एक कवर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, कवर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ बीच वाले पे क्लिक कर देना है। बीच वाले के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अब आपको फाइनली क्या करना है, तो अपने बैकग्राउंड के ऊपर चला लेना है, ठीक है ना गाइस? तो चलिए मैं भी चला लेता हूँ, आप भी जल्दी जल्दी से चला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस, देखिए हमारा बैकग्राउंड का कलर हो गया, ठीक है ना? बैकग्राउंड का कलर हो जाने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, इस फोटो को यहां से शेयर कर देना है कहां पे, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में आने के बाद फ्रेंड्स, ऑल फोटो पे क्लिक करना है। ऑल फोटो पे क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स, देख लेना है हमारा फोटो कहां पे आया है। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली ये फोटो हमारा यहां पे आया है, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, पहले तो फोटो हमारा इस तरीके का दिखेगा। डन फ्रेंड्स, मैं एक पीसेट का लिंक दूंगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैं दे भी दिया हूँ फ्रेंड्स। अगले वीडियो में सेम पीसेट है फ्रेंड्स, यही पीसेट हम यूज करेंगे इस फोटो पे भी। तो सबसे पहले यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी सेटिंग कर लेना है। और कॉपी सेटिंग कर देने के बाद गाइस, इस फोटो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस फोटो के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है ना? तो चलिए गाइस, हम पेस्ट कर लेते हैं।
डन पेस्ट हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है देख लीजिए। तो थोड़ा सा इधर आना है, स्क्रॉल करके आना है और कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है तो मिक्स वाले कलर पे क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है आप थोड़ा सा लाइट अपना कम रख सकते हैं फेस पे रखना चाहे तो, बट यहाँ से कर देना है डन। डन इतना काम हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है तो इस फोटो को कहाँ पे शेयर करना है तो फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स फाइनली हम इस फोटो को फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। थोड़ा सा काम है फ्रेंड्स फोटो रूम का तो ठीक है, तो चलिए मैं पहले शेयर कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स मैं फेस स्मूथ का आपको मास्टर बना दूंगा, प्लीज आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा मतलब स्किप भी मत कीजिएगा वरना आप कौन सा सेटिंग मिस्टेक कर देंगे कोई नहीं जानता है ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लर के ऊपर क्लिक कर देना है। ब्लर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है तो ये सेकेंड वाला ब्लर देख लीजिए ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है यहाँ पे सेकेंड वाला ब्लर होगा उसको क्लिक करके इसको पूरा फुल बढ़ा देना है। डन इतना काम कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको फाइनली एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज एंड वार्म को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा तो ह्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा तो ह्यू के ऊपर क्लिक करना है और ह्यू थोड़ा सा इसको छेड़छाड़ करना है ठीक है ना। सो फाइनली गाइस देख लीजिए ह्यू को आपको इतना पे रखना है ठीक है ना। डन इतना काम हो जाने के बाद गाइस इस फोटो को हम क्या करेंगे तो शेयर करेंगे अब ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो चलिए फ्रेंड्स शेयर कर लेते हैं ठीक है ना। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको एक लेयर बनाना होगा ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए एक लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। क्लिक कर देने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है तो यहाँ पे फिर से ये लेयर जो बनाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद सॉफ्ट लाइट कर देना है। सॉफ्ट लाइट कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है तो यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ठीक है ना। थर्ड वाले पे क्लिक कर देना है। थर्ड वाले पे क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है तो फाइनली अब आपको क्या करना है तो ये देखिए स्मज राउंड बीटिस ब्रश दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग आप देख लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स ये ब्रश सिलेक्ट नहीं हुआ था फ्रेंड्स, फिर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये रहा स्मज मीडियम ब्रश, सॉरी फ्रेंड्स मीडियम ब्रश को आपको फाइनली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए तो सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑपर क्लिक कर देने के बाद गाइस आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव को पूरा फुल रखना है ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फुल रख देने के बाद अब आपको क्या करना है एसएस कॉल करके चलाना है। तो सबसे पहले तो चलिए मैं चला लेता हूँ फ्रेंड्स आराम आराम से बारीकी से ठीक है ना। जैसे मैं चला रहा हूँ फ्रेंड्स आप भी सेम टू सेम वैसिंग करके चलाइएगा, आप इधर उधर मत चलाइएगा वरना आपका बेकार हो जाएगा फोटो ठीक है ना। तो जैसे मैं चला रहा हूँ फाइनली आपको भी वैसे चलाना है तभी मेरे जैसा बिल्कुल ही फेस स्मूथ हो पाएगा और मेरे जैसा मास्टर बन जाइएगा फेस स्मूथ का ठीक है ना। तो जैसे मैं चला रहा हूँ फाइनली फ्रेंड्स आप भी ऐसे आराम आराम से चला लीजिएगा। देखिए फेस पे जैसे मैं चला रहा हूँ देख लीजिए आपको फाइनली आराम आराम से फ्रेंड्स चला लेना। तो चलिए मैं फ्रेंड्स वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ।
सो देखिए गाइस फाइनली हमारे पूरे फेस के ऊपर चल गया है, बट फ्रेंड्स ये पेंट हुए ना बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, तो इसका साइज है जो ऑब्जेक्टिव है जो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ 50 मतलब आपको 34% या 35% के मुताबिक रखना है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा साइज को छोटा बड़ा करके और फाइनली ऐसे करके चला लेना है बीएड के कगड़ी, ठीक है ना, धार पे चलाना है, ठीक है ना। जैसे मैं चला रहा हूँ धार पे फ्रेंड्स, वैसे ही आप भी धार पे चलाइएगा वरना बेकार हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मैं चला रहा हूँ फ्रेंड्स सेम टू सेम आपको भी ऐसे मतलब चलाना है, ठीक है ना, वरना इधर उधर चलाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो उसका गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल आप मेरे जैसे कीजिए, देखिए बहुत ही बेस्ट दिखेगा आपका फोटो। डन फ्रेंड्स, इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक कर देने के बाद सब देखिए एक और लेयर जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा हम कम करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा कम कर देने के बाद यहाँ से हटा देंगे। डन, इतना काम हो जाने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, इस लेयर को मर्ज कर देना है। मर्ज कर देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे स्क्रॉल करके आना है फ्रेंड्स, स्क्रॉल करके आना है। अब आपको क्या करना है, ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स मैं सेव कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इस वाले ब्रश को ले लेता हूँ, उसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, इसका फॉलो रखूँगा फ्रेंड्स 7 के करीब और इसको रखना है 18 के करीब, ठीक है ना, इसको 9 कर दीजिएगा बेस्ट रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने फेस को जूम करना है, फेस को जूम कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐसे देखिए आराम से स्मूथ करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स आप भी सेम टू सेम आराम से स्मूथ कीजिएगा, देखिए तो आपका भी बिल्कुल ही फेस स्मूथ होगा मेरे जैसा, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जितना आराम से कीजिएगा उतना बेस्ट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे हमारा फाइनली फेस स्मूथ हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसको भी आराम से ऐसे करके चला लेंगे, देखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस वीडियो में जितना भी बैकग्राउंड एंड PNG यूज किया हूँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐड कर लीजिएगा बैकग्राउंड एंड PNG।